हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वर्कशीट 5 के आपने सारे कर लिए होंगे, आज हम करेंगे वर्कशीट 5 का थर्ड क्वेश्चन। इसके सारे क्वेश्चन समय करने हैं। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, थर्ड के जितने भी पार्ट्स हैं ये ईजी हैं। क्यों? क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हमने सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमने किए हुए हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। जैसे वो सेकेंड क्वेश्चन है ऐसे ये थर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, बट हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। एंड ये वर्कशीट 5 है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर है, फर्स्ट क्लास 8th डीएवी की मैथ की बुक का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.05361, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। 533 यहाँ पर है, 533 61। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में पता क्या दिया, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें, इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। बहुत इजी तरीका है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है। हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे? पहली बात तो आपको क्या लिखना है, 533 61। पॉइंट हटाएंगे, वन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। 100 वाली ये जो 0 0 लगे हुए इनका, तो स्क्वायर रूट फाइंड करना बच्चों का खेल है, हम बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को करिए, 533 61 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। मैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करूंगा, आपको जो सूटेबल लगता है, आप चाहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना तो उससे कर लो, बट लॉन्ग डिवीजन मेथड आई थिंक कम टाइम में हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता होती है। ठीक, आप अपना आइडिया मुझे बताना, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड इजी है या लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड इजी है, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है। चलिए, ये हमने नोट कर लिए, पेयर्स बना लिए, 2 2 4 करेंगे, बड़ा इजी है, 2 2 4। ठीक है, 2 2 4 हमने कर लिया, 1 आ गए, यहाँ पे हमने 33 नोट कर लिया। ठीक है, 2 का डबल 4 हमने लिख लिया, 4 लिखो। ठीक है, आई थिंक 3 से करके देखें, 3 3 9, 3 4 12, 129। ठीक है, अच्छा 4 अगर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 16, 1 कैरी 17, ये ज़्यादा हो रहा है, तो आई थिंक 3 से लेना चाहिए। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 129। अगर 133 से सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 4, और यहाँ पे हम नोट कर लेंगे कितना, 61। अब ये 23 का डबल भी नोट कर लो भाई, 23 का डबल कितना हो गया, 46, और 461 है तो 1 ही लगाना पड़ेगा, 461 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये तो रफ कॉपी का वर्क है, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 533 61 अपॉन 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू कितना आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया इसका, तो कितना आ गया, 231 अपॉन, और इसका पेयर से 1 0 लेना है, आपको बताया ना, 1 2 3 3 0 लगानी है, बल लगा के इक्वल टू में एक और चीज लिख दो, 1 2 3 डिजिट्स है ना नीचे, 3 0s है ना, 1 2 3 0s है, तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना, यानी आएगा 0.231 आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एक बार अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए ना, तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन ये लगने वाले हैं। ठीक है, कोई डाउट है बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये आप नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक्चुअली ना इन क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे लगता है अच्छे से आपको आते होंगे, अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बताना है आपको। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। ये भी इसमें डिजिट्स ना उसी की तरह हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। एक बार देखो फर्स्ट क्वेश्चन, बस पॉइंट का फर्क है, इसमें थोड़े से आगे 0 बढ़ा दिए हैं, लेकिन ये 533 61 ये पिछले क्वेश्चन में भी था, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी है, बस 0 का थोड़ा सा फर्क है। अब हमारे पास तो तरीका है ना, 533 61 लिखेंगे अपॉन, पॉइंट का 1 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। 533 61 का अभी हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था रिसेंटली, कितना आया था हमारे पास स्क्वायर रूट उसका, 231, क्लियर है ना। देखो इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया था ना अभी, 231 आया था, तो लिख लो 231। अब नीचे कितने जीरोस लगाओगे, पेयर से 1 2 3 4 पेयर्स बन रहे हैं, 1 लगा के 4 0 लगा दो भाई, क्लियर है। अब एक बात जरा सुनो, ऊपर तो आ गया 231 और नीचे कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन यहाँ तो 3 0s हैं, तो पहले 4 डिजिट्स बना दो भाई, नीचे 4 0 है ना, तो ऊपर भी 4 डिजिट बना लो, अब पॉइंट लगा दो, और पॉइंट से पहले भी 1 0 हम ऐड करते ही हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। वैसे तो ना
0.0231 का मतलब भी यही होता है, यानी ये और ये बात एक ही है, बट पॉइंट के आगे हम जीरो लगाते हैं, क्योंकि आपको बताया था ना मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो ये और ये बात एक ही होती है, बस जितने नीचे जीरोज हो उतने डिजिट्स ऊपर होने चाहिए और उसके आगे पॉइंट आपको लगाना है, बस ईजी है। सेकेंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे थर्ड का थर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार जरा ट्राई करते हैं। हमें क्या करना है, 1500625 पॉइंट हटा दो, पॉइंट का हमें क्या लगाना है 1, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर है, इजी है, समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना, ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर रूट तो हम माइंड में भी कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है 1500625 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, पेयर्स बना लो, पेयर बना लिए, ठीक है, 25 का एक पेयर बन गया, 06 का और 50 का बन गया, 1 रह गया, तो 1 बन जाए 1, यहाँ पे आ गया 0, हमने नोट कर लिया 50, 1 का डबल 2, आई थिंक 2 लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 22 या 44 होगा, बाकी 3 करते तो ज़्यादा आ जाता, 1 कम रहता, ठीक है, यहाँ पे आ गया 6। यू नो एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना स्टार्टिंग में, जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, कुछ नए क्वेश्चन सीखते हैं, कोई नया टॉपिक सीखते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर आपने प्रैक्टिस की तो फिर आपको बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन आपको लगने लगेंगे, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है थोड़ा सा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एडवाइस भी है, सजेशन भी है कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, वीडियोज़ को जो है देख रहे हैं ना ऐसे ही ना देखें, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, उनको नोट्स करें, उनको करने की कोशिश करें, एक दो क्वेश्चन खुद से करें, वीडियो को रोक दें, ठीक है, फिर क्वेश्चन को दोबारा से करके करने की कोशिश करें, तो इस तरीके से ना आपकी प्रैक्टिस होगी, ऐसा लगेगा कि आप लाइव पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा 6, यहाँ पे हमने नोट कर लेना है क्या 06 हम नोट कर लेंगे, क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। 12 का डबल कितना हो गया हमारे पास 24, आई थिंक 2 4 3 लेने से तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, 2 2 4 4 2 8 2 2 4, ठीक है, यही है, क्योंकि 3 लेने से आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, 2 लिख लो, 2 लिख लो, कितना आ गया 484, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे आ गया आपका 2, यहाँ पे कितना आ गया आपका 2, यहाँ पे भी 2 आएगा ना, क्योंकि ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका 1 122। अब हमें क्या करना है, इसका डबल नोट करना है, यानी आ गया 244, ठीक है, नेक्स्ट पेयर हम नोट कर लेंगे कितना आ गया 25। अब 244 में आई थिंक हमें 5 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि एंड में 5 आ रहा है ना, तो लास्ट में तो पूरे डिवाइड हो ही जाना है, 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20 22, 2 कैरी, 5 4 20 22, 2 कैरी, 5 10 11 12, देखो कितना इजी था, यहाँ पे भी 5 लिख दो, यहाँ पे भी 5 लिख दो, कितना आ गया 1 2 2 2 5, पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना, अच्छे से स्क्वायर रूट फाइंड करना बड़ा ईजी है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1500625 अपॉन ये, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, इसका स्क्वायर रूट कितना आया आपका, आया 1225, और इसका कितना आएगा 100 आएगा ओनली, ठीक है, तो कितना आएगा, देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है इसमें आपको, तो कितना लिखेंगे 12.25 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ईजी क्वेश्चन है, एक बार नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट आपको कर दिया है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नोट कर लेना, इजी क्वेश्चन है, क्यों टाइम वेस्ट करना, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया था, पॉइंट हटा के मैंने 1 लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 6 मैंने जीरोस लगा दिए, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया इस तरीके से, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आ गया 612, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आपको इसमें स्क्वायर रूट में लिखना है, इसके आगे इसका स्क्वायर रूट यहाँ लिख देना है, और इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 3 जीरो जाएंगे, मालूम है ना आपको, जबकि जितने पेयर्स होते हैं ना यहाँ पे 3 पेयर्स है, तो 3 जीरो जाएंगे, और इसका 612 लिख दो, 1 2 3, यानी 3 डिजिट्स के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट कर लेना। अब देखिए एक बार फिफ्थ वाला क्वेश्चन और समझ लीजिए, ठीक है, इसमें क्या दिया है, 610.09 ये दिया है, हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरोज हमने लगा दिए, इसका हमने 61009 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, जो कि 247, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो लिखेंगे 247, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया, बस जीरो है ना, केवल 1 जीरो है, तो 1 डे के बाद आपको पॉइंट लगाना है, यानी 24.7 इसका करेक्ट आंसर है, आप एक बार नोट कर लो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच माई डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।